भाई एक काम करो, ये 100 रुपये रखो, 100 रुपये रखो। चलो छोड़ो भाई, काम करो कमेंट सेक्शन में लिख देना #100 rupees टू पाकिस्तानी टीम, ताकि वो कराची चले जाए, कराची में जाके वहां के फैन से मार वार खाए। मतलब कौन इस हद तक हारता है भाई, कौन पाकिस्तान को छोड़ के। तो कैसे हो भाई लोग, आप सबका स्वागत है मेरे अपने चैनल पे, मतलब हम दोनों के, आपके मेरे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कर दिया करो। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ रील्स, कुछ वीडियो के रिएक्शन। चलो फिर, यहाँ नहीं ऐसे चलो। वो पहले से उदास बैठा हुआ है, ये इसका चेहरा देखो, ये इसके पीछे वाले भाई का। बोल 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 भाई, अनु मलिक आग लगा रहे, आग लगा रहे, आग लगा रहे। लेकिन एक बात सोचने वाली है भाई, कितना हारोगे तुम। और ये एक मुख्तलिफ बंदा है भाई, ऐसा बंदा मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा जो अपनी टीम की भर भर के बुराइयां करता है। और उसके बाद पाकिस्तानी ऑडियंस के बारे में मैं क्या कहूँ भाई, उसको वहां पे पॉपुलर कर दिया। उसके बाद हाथ मिलाने जब जाना होता है तो विराट कोहली के पास ही जाता है, समझे, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और भाई मेरे को लगता है बाबर आजम है ना, वो भी सोचता होगा भाई इस बंदे के वीडियो ना दिख जाए, क्योंकि ये हर जगह ट्रोली करता रहता है, ट्रोली करता रहता है बकायदा अपनी टीम को। कौन करता भाई ऐसा, कौन इसको छोड़ के। जिम्बाब्वे इज न्यूज एंकर आफ्टर टुडेज मैच। भाई एक कहानी है जो सबको सुनानी है। आज से कुछ समय पहले पाकिस्तान ने बोला जिम्बाब्वे से कि भाई हम आपके इधर मिस्टर बीन को भेजेंगे, मिस्टर बीन को। उसके बाद ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने बकायदा एक मिस्टर बीन भेजा, जो कि बोलते हैं सब कि मिस्टर बीन है। और भाई ये बंदे की फोटो देखो, और भाई मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान ने इसको भेजा एज मिस्टर बीन जिम्बाब्वे। और वहाँ जाने के बाद भाई पता चल रहा है कि यार ये तो मिस्टर बीन था ही नहीं। और भाई बकायदा जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने भी ट्वीट किया पाकिस्तान को ट्रोल करते हुए, और उसके बाद उस पर रिप्लाई भाई शहबाज शरीफ का भी आया है। गजब गजब, मतलब ऐसी कहानी और ऐसे लोग आपको कहाँ देखने को मिलेंगे पाकिस्तान के अलावा, कहाँ, मतलब समझो कहाँ मिलेंगे, वहीं मिलेंगे बस, और कहाँ। भाई कहना क्या चाह रहा है भाई, यही कंडीशन होती है जब तुम बहुत बुरी तरीके से हारते हो ना, वैसे इनकी इंग्लिश की तारीफ तो पूरा वर्ल्ड करता है। अगर ऐसी इंग्लिश हमने बोल ली ना, उसके बाद हमें जिस भी जगह खड़े होना उस जगह लोग खड़े भी करेंगे, और बकायदा एक जूता निकालेंगे, बोलेंगे भाई बेस्ट प्रपोजल इन द वर्ल्ड, देखे जरा। तो प्यार करेगा। सही है, सही है। भाई दोनों तरफ से थपाड़ा पड़ा क्या, सॉरी एक बार फिर से देखना पड़ेगा। भाई प्यार भी हो गया, अरे हा भाई, ऐसी लव स्टोरी देखिए कहीं, कहां मिलेंगे ऐसे लोग, कहाँ हो सकती है ऐसी कहानियाँ। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए लोगों को तलाश करना पड़ता है भाई, लेकिन ये तलाश मेरी आखिरकार पूरी हो गई। अब जिंदगी में जब भी किसी से किसी को प्यार हो ना, तो उससे जाके तुम्हें कुछ नहीं करना है, सीधे साफ जाके एक ही बात बोलनी है, या तो तुम उससे प्यार करेगी वो बोलेगी नहीं, तो उससे एक और बार पूछना तुम उससे प्यार नहीं करेगा वो बोलेगी नहीं, तो जाके तुम्हें सीधे
समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ। और चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो आप मुझे वहाँ पे रील शेयर करोगे, उन रील्स को मैं अपनी इस वीडियो में एंटर करूँगा, मतलब फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ में। तो हम तुम दोस्त।